पिछले कुछ सालों से या लॉकडाउन के बाद से ईद मनाने में कुछ खास मजा नहीं आ रहा। वैसी खुशी भी नहीं हो रही जो पहले हुआ करती थी। जैसे पहले छोटे छोटे बच्चे ईदी के लिए खेल खिलौनों के लिए जिद किया करते थे और सब घर घर जाकर अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को ईद की मुबारकबाद देते थे। लेकिन आजकल तो एक मैसेज में ईद मुबारक लिखकर सभी को सेंड कर दिया जाता है या ईद मुबारक स्टेटस और स्टोरियों पे लगा दिया जाता है। बहरहाल उसमें वो मजा कहां जो आमने सामने मुंह से मुबारकबाद बोलने से मिलता है। वो गले मिलना, एक दूसरे को मुबारकबाद देना, ईदी बांटना, खीर बांटना, कितना मजा आता है यार। तो चलो इस बार कुछ नया करते हैं। इस बार नो ईद मुबारक स्टेटस, नो मैसेज, सिर्फ और सिर्फ गले मिलकर सभी गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे को मुबारकबाद दो। हाँ, लेकिन जो हमसे दूर हैं उन्हें तो हम ऑनलाइन ही मैसेज सेंड कर देंगे, पर जो पास में हैं जैसे पड़ोसी, दोस्त, करीबी रिश्तेदार, इनको तो हम मिलकर मुबारकबाद दे ही सकते हैं। ये वीडियो मैंने इससे पहले ही बना दी है ताकि आप अभी से प्लान बना सको और तैयारी कर सको कि कैसे और क्या करना है। क्या आप तैयार हो? कमेंट में बताओ। आखिर में फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ की दरख्वास्त है।